अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M34, A34 या F34 है तो उसके अंदर आप नोटिफिकेशन साउंड को किस तरह चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होगा साउंड एंड वाइब्रेट, इस पर टैप कर लेना है। ऑप्शन शो हो जाएगा नोटिफिकेशन साउंड, इस पर जैसे टैप करोगे तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर जाओगे। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन शो हो जाएगा नोटिफिकेशन साउंड वॉल्यूम, आपको किस तरीके से इंक्रीज करना है। ज़्यादा करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर कम करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद साइलेंट, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर नोटिफिकेशन का साउंड नहीं चाहिए तो आप साइलेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर होता है स्पेस लाइन, ये हमारी डिफ़ॉल्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर गैलेक्सी में से काफ़ी सारी टोन मिल जाएंगी इस तरीके से। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो क्लेम की, उसके बाद सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको रोटेट की मिल जाएगी, फ़न की मिल जाएगी इस तरीके से। तो आपको जो भी इनमें से लगाना हो आपको बस एक बार बैक कर देना और आपका वो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर भी नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो चली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।